हम भी अभिमान जा सकते हैं। रिक्शा में यहाँ से महात्मा गांधी रोडी जा सकते हैं, मेरठ नहीं। रिक्शा कहीं भी जा सकता है सर, अगर रिक्शा वाला चाहे। मूवी के मालिक हैं वह इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वह इससे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वह यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहां पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिसल मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे।
देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डिस्क्रिप्शन टैग लिए नजर आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहू जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नजर आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसारो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा। कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म होप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से
से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में बी टेक के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मिनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं मौमिता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली मौमिता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में मौमिता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्ट्रेस किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, केत कुलारी और नित्या मेनन एस सी दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें।
मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आपको आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए ये समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है यह फिल्म। साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है, खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा। खास क्या है, मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। यह बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है, कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती। चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाए जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संबासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियां असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में खराब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ हैं जो सही, जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं
दो जगह, एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कल नहीं लगता। ये भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक इंटरटेनिंग फिल्म है। ये भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वह इससे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वह यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहां पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है, लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कुल्हारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टारकास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहू, जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नजर आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था।
फिल्म इशारों की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाते हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा। कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुलहारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी, तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल।
लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधार बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं मौमिता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली ममता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में ममता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्टर्स किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है, ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वही मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है, जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, केत कुलारी और नित्या मेनन, SC दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है, लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा 4th देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और, ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है यह फिल्म। साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है।
राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है। खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा। खास क्या है, मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। ये बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है। कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती। चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस सी दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाए जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संभासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियाँ असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ हैं जो सही, जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कल नहीं लगता। यह भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक एंटरटेनिंग फिल्म है। यह भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वे इसे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वो यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहाँ पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिसल मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहो, जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नज़र आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नज़र आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसरो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा, कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी संजीदगी से निभाया था। केप ऑफ गुड फिल्म्स, पॉप प्रोडक्शन और
फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुलहारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी, तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं ममता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली ममता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में ममता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्टर्स किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है, ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए
बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधियानी विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है, जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्त कुलारी और नित्या मेनन, SC दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है यह फिल्म। साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है। खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा खास क्या है। मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। यह बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है। कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें
होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती, चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करती हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस सी दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाया जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संभासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे, लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियां, असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं, लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ है जो सही, जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पड़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कल नहीं लगता। यह भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक एंटरटेनिंग फिल्म है। ये भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वे इससे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वे यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहाँ पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति कुल्हारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है।
ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नजर आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नजर आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहू जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रही थी। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नजर आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसारो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा। कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म, होप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5
महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं ममता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली ममता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में ममता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्ट्रेस किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, केत कुलारी और नित्या मेनन एस सी दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं।
कैसी है फिल्म। देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफ़र के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है। यह फिल्म साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है। खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा। खास क्या है, मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। यह बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है। कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती। चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस 5 महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाए जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संबासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू
देंगे वही सलामियाँ असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ है जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कर नहीं लगता। ये भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक इंटरटेनिंग फिल्म है। ये भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वे इससे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वे यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहाँ पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टारकास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहू, जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नज़र आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर
मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नजर आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसरो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा। कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी, तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके
59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं मौमिता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली मौमिता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में मौमिता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्ट्रेस किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है, ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वही मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान की कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है, जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, केत कुलारी और नित्या मेनन, SC दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है, लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा 4th देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही
अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आपको आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए, ये समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है यह फिल्म। साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है, खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है, एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है, जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा। खास क्या है, मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है, फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। ये बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है, कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती, चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस सी दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाए जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संभासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियां असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ हैं जो सही, जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कल नहीं लगता। यह भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक एंटरटेनिंग फिल्म है। यह भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है।
हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वह इससे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वह यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहां पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास किस्सा हो जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नज़र आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसारो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उस देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को
भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा, कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुलहारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी, तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं मौमिता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली मौमिता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में नौमिता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन
तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्टर्स किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वही मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान की कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, केत कुलारी और नित्या मेनन, एस सी दयोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है। यह फिल्म साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है। खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा।
खास क्या है। मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है, फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल पोटेंशियल मुमकिन नहीं था। ये बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है, कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती। चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस सी दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाए जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडू के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है, जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं। फिल्म में यूँ तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संबासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियाँ असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है, तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं, लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों, कुछ एक चीज़ हैं जो सही, जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा, ये इलाज कल नहीं लगता। यह भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक एंटरटेनिंग फिल्म है। यह भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वे इसे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वो यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहाँ पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति कुल्हारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया
भारत में फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है, लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डेजिग्नेशन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहो, जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नज़र आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट की टीम में नज़र आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसरो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का ये मिशन या भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा, कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म्स, पॉप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और नित्या मेनन भी थी।
अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन पांच महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुकी थी। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं ममता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली ममता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में ममता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्टर्स किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की
विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्त कुलारी और नित्या मेनन, एस सी दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे। मिशन मंगल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुंच हो गई थी। और तो और, ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो इसी मिशन के तमाम सफर के इर्द गिर्द बनी है डायरेक्टर जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल। चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। कहानी का जनरल आइडिया तो तब आप सबको ही है, एडिशनल तो समझिए कि इस मिशन को कामयाब बनाने वाली टीम की जिंदगियों में झोंकने का मौका देती है यह फिल्म। साथ ही मिशन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और उनसे पार पाने की जद्दोहद का बॉलीवुडीकरण भी देखने को मिलता है। राकेश धवन इसरो का साइंटिस्ट है जिसे एक मिशन में फेल होने पर मंगल मिशन थमा दिया गया है। एक ऐसा मिशन जो लगभग असंभव है। खुद राकेश धवन को लगता है कि ये उसकी अनऑफिशियल रिटायरमेंट है। इस मिशन के लिए ना तो फंडस है और ना ही अनुभवी टीम। जो लोग राकेश धवन को टीम के तौर पर मिले हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घरेलू दिक्कतों से जूझ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो नासा जाने की उम्मीद से इसरो में वक्त काट रही है। एक अंकल हैं जो महज नौकरी निभा रहे हैं और एक वर्जिन लड़का है जिसकी कुंडली पर मंगल हावी है जिसकी वजह से वो इस मिशन का हिस्सा बनने को राजी नहीं। ऊपर से रूपर्ट देसाई नाम की एक सीनियर साइंटिस्ट है जो कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रही है। एक कमज़ोर लगने वाली टीम और पैसों की भारी कमी से जूझता राकेश धवन इस मिशन को पहन ओढ़ बिछा लेता है और कामयाब होकर दिखता है। कैसे फिल्म देखकर जानिएगा खास क्या है। मिशन मंगल भले ही एक स्पेस मिशन पर आधारित फिल्म है फिर भी अंत पंत तो एक मास एंटरटेनर फिल्म ही है। इसलिए मिशन के पीछे के साइंस को बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, ऑडियंस से कनेक्ट करना था इसलिए, वरना इतने जटिल मिशन का इतना सिंपल प्रोटेंशन मुमकिन नहीं था। यह बात वैसे फिल्म के हक में ही जाती है। कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातें होती तो शायद फिल्म बोझिल हो जाती। चीज़ें सहज रहती हैं, समझ में आती रहती हैं, इसलिए फिल्म अपील भी करती है। एक और ख़ास बात ये भी थी कि यह भले ही अक्षय कुमार की फिल्म हो, इसमें सिर्फ वही छाए हुए नहीं हैं, तमाम कलाकारों को स्पेस मिला है और सब ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया भी है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, इस पांच महिला एक्ट्रेस ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इनमें सबसे ज़्यादा विद्या साइन करते हैं। उम्रदराज साइंटिस्ट के रोल में एस सी दत्तात्रेय भी जमते हैं। कीर्ति के एक्स हस्बैंड को उनके द्वारा सबक सिखाया जाने वाला सीन बढ़िया बना है। फिल्म में कॉमिक रिलीफ शर्मन जोशी के रूप में आता है। उन्होंने परमेश्वर नायडी के नाम के साइंटिस्ट का रोल किया है जिसकी मंगल ग्रह से बनती नहीं। उनके हिस्से कुछ अच्छे पेच आए हैं जो आपको हंसाने और गुदगुदाते जरूर हैं।
फिल्म में यूं तो दो ही गाने हैं और वो भी बैकग्राउंड में बजते हैं। इसमें से शिल्पा राव का गाया संबासिया बेहद अच्छा बन पड़ा है, जिसके बोल कहते थे लोग जो कातिल काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियां असरदार है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा है इसका क्लाइमैक्स। हम सबको पता है इंडिया का मिशन मार्स कामयाब रहा था, बावजूद इसके क्लाइमैक्स उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स उम्दा किस्म के थे। जब इस स्पेस शटल मंगल की कक्षा में घुसने वाला होता है तब के सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं लॉन्चिंग के भी। चलिए बात करते हैं आपको इस फिल्म में ख़राब क्या लगता है। दोस्तों कुछ एक चीज़ है जो सही जो ऐसी हैं जिनकी कोई तुक समझ में नहीं आती, जैसे कि जबरन का हिंदू मुस्लिम एंगल, वो भी एक जगह नहीं दो जगह। एक केस में मुस्लिम साइंटिस्ट को सिद्ध की सरनेम की वजह से मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे केस में विद्या बालन का बेटा कुरवाना पढ़ता है और इस्लाम समझाना चाहता है, जिसके पीछे पिता संजय कपूर को भयानक एतराज है। इन दोनों ही कैरेक्टर ट्रैक्स का असल कहानी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अटपटे लगते हैं। और ये बात भी खटकती है कि जब मिशन मंगल के साइंटिस्ट को ऑफिस अलर्ट होता है तो वो लगभग खंडहर होता है। इसरो के इतने अहम मिशन को साइंटिस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा ये इलाज कर नहीं लगता। यह भी कि हजारों साइंटिस्ट की मेहनत कर रहे इस मिशन में सिर्फ ये 5-7 लोग ही दिख रहे हैं, बाकियों का बस जिक्र भर है। बावजूद अपनी इन खामियों के मिशन मंगल एक एंटरटेनिंग फिल्म है। ये भारत की एक शानदार उपलब्धि का सरलता से सिनेमाईकरण करती है और आपके पैसे वसूल करवा देती है। ये फिल्म देखी जा सकती है। हेलो दोस्तों, मिशन मंगल मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अब भी यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे इसे अब भी पैसे लेकर दिखाना चाहते हैं और वे इसे अब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही कारण है कि अगर वे यूट्यूब पर इसे फ्री में अपलोड कर देंगे तो भाई वहाँ पर इनसे कोई भी पैसे देकर नहीं देखेगा। तो भाई वह कब इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करते हैं वो तो भाई वह बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की मिशन मंगल फिल्म लेकर आए थे। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, विद्या बालन शर्मन जोशी, कीर्ति गुलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नीता मेनन लीड रोल में थे। मिशन मंगल को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था। मिशन मंगल सत्य घटना से प्रेरित कहानी बताई जा रही थी। मिशन मंगल में दिखाया गया था कि कैसे भारत के दो स्पेस साइंटिस्ट राकेश धवन, अक्षय कुमार और तारा बिंदे, विद्या बालन और उनकी टीम अपने पहले ही प्रयास में सैटेलाइट को मंगल पर भेजने में कामयाब हो गए थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उस नामुमकिन सपने की जिसे मुमकिन किया भारत ने। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है 2 मिनट के काउंटडाउन से, फिर आती है पहली आवाज़ अक्षय कुमार की। राकेश धवन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं मिशन मंगल की शुरुआत। ये एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा होने का चांस सिर्फ 1% है। संसाधनों की कमी है लेकिन इस सपने को देश के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सच किया है। ऐसी सच्ची कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में लगभग सभी किरदारों का परिचय करा दिया गया था। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शर्मन जोशी, कीर्ति कलहारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन के किरदार बढ़िया नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि फिल्म दर्शक को कितनी पसंद आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट बताया था। ट्रेलर से पहले फिल्म का टीजर, पोस्टर और सबसे खास इमोजी जारी किया गया था। इस फिल्म का इमोजी चांद पर तिरंगा फहराते हुए जारी किया गया था। ट्रेलर रिलीज से पहले पूरी स्टार कास्ट की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर में सभी किरदार अपनी डिस्क्रिप्शन टैग लिए नज़र आ रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल की टक्कर अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। 15 अगस्त के दिन प्रभास की साहू जान अब्राहम की बाटला हाउस और वेब सीरीज क्रैश्ड गेम्स 2 रिलीज होने जा रहे थे।
अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगलयान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने साल 2013 में भारत की ओर मार्स पर पहला सैटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था। वही अभिनेत्री विद्या बालन तारा शिंदे की भूमिका में थी, जो इस प्रोजेक्ट में राकेश धवन के साथ थी। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट के तीन में नजर आए थे। यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें केवल कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई थी। यह कहानी है भारत के सिर्फ मार्स मिशन मंगल यानी मंगलयान की। इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा था और भारत के उन गौरव पलों को फिल्म में समेटा गया था। फिल्म इसरो की उन महिला वैज्ञानिक की कहानियों को बयां करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती हैं। क्या था भारत का यह मिशन? यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवम्बर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया था। बता दें, इस मिशन के बाद भारत की गिनती अब उन देशों में शामिल हो गई थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान को भेजा है। खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था, क्योंकि इससे पहले करीब 2/3 अभियान असफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी माना जाता है। इस वक्त भारत का यह कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था, क्योंकि इसमें पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। इस मिशन को लेकर अक्षय कुमार ने कहा था कि यह इसरो के 17 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस महिला वैज्ञानिक की इतनी सारी वास्तविक कहानियां सुनकर मुझे यह बड़ा अद्भुत लगा, कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही संजीदगी से निभाया था। के पॉप गुड फिल्म्स पॉप प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियो की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। मिशन पर लोगों का फोकस भले ही ना हो, लेकिन अक्षय पर पूरा फोकस था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली एक सफल फिल्म साबित होगी। यूं तो लोग इसे अक्षय कुमार की फिल्म कह रहे थे क्योंकि वो इस फिल्म के अकेले हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि फिल्म की 5 हीरोइनों को नज़रअंदाज किया जाए। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और नित्या मेनन भी थी। अक्षय और इन सभी अभिनेत्रियों ने फिल्म में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन माम जैसे अहम प्रोजेक्ट पर न केवल काम किया बल्कि कम संसाधनों में ही भारत के एक बड़ी कामयाबी दिलाई। इस कामयाबी के पीछे जिन महिला वैज्ञानिक की मेहनत थी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। आइए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों पहले महिला थी मीनल रोहित। मीनल रोहित वो महिला है जिन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। इस मिशन पर काम करने वाले 500 वैज्ञानिक में से एक मीनल ने इस मिशन पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया था। मीनल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं क्लास में जब उन्होंने टीवी पर एक स्पेस शो देखा तो उनका मन बदल गया। मीनल ने 1999 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कम्युनिकेशंस में BA/BTech के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के स्नातक किया और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड गोल्ड मेडल जीता था। मंगल मिशन पर उनकी मेहनत को इस बात से समझा जा सकता था कि उन्होंने 2 साल तक रोज 18-18 घंटे तक काम किया था। फिलहाल मीनल चंद्रयान 2 से भी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं नंदिनी हरनाथ की। नंदिनी ने पहली बार इसरो में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें यहाँ 20 साल हो चुके हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर और इन 20 सालों में इसरो के 14 मिशनों पर काम कर चुके थे। मिशन मंगल पर उन्होंने बतौर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्ट किया था। नंदिनी ने जब पहली बार स्टार ट्रैक सीरीज देखी थी तभी से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और यह सपना वो इसरो के जरिए जी रही थी। अनुराधा टीके। आंध्र प्रदेश की अनुराधा टीके 59 वर्ष की हैं और 1982 से इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बचपन से ही नील आर्मस्ट्रांग से प्रभावित थी और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो उस वक्त के इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उस वक्त बहुत कम महिलाएं वहां काम करती थी, लेकिन अनुराधा ने अपनी लगन से साबित कर दिया कि किसी भी काम में महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं है। ऋतु करधाल। लखनऊ की रहने वाली ऋतु करधाल बचपन से ही अखबारों में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा करती थी। बचपन से ही एक सपना था साइंटिस्ट बनने का। वो हमेशा नासा और इसरो की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। पढ़ाई के बाद जब उन्हें इसरो में ही जॉब मिल गई, मिशन मंगल में ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और उन्होंने भी मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए थे और मिशन मंगल कामयाब हुआ। इस वक्त भी ऋतु चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई थी। चलिए बात करते हैं ममता दत्ता की। कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई करने वाली ममता दत्ता जब पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था और उनके मन में इसरो से जुड़ने की इच्छा हुई थी। 2004 में इंजीनियर के रूप में इसरो से जुड़ गई। मंगल मिशन में ममता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। मिशन मंगल को कामयाब बनाने में इन 5 महिलाओं वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन तब ये महिलाएं महत्वपूर्ण होकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन मिशन मंगल के जरिए पर्दे पर आने के बाद लोग इन वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर सकेंगे। फिल्म की कौन एक्टर्स किस साइंटिस्ट का रोल निभा रही है ये तो फिल्म देखकर आपको पता लग जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल वास्तविक घटना से प्रेरित है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए बनी टीम को फिल्म मिशन मंगल के माध्यम से दिखलाया गया है। साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। मंगलयान के कामयाबी के पीछे की कहानी शुरू से ही आपको बांध कर रखेगी। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए भी रोचक लग सकती है क्योंकि मंगल ग्रह पर भारत की असफलता से उन्हें नई कहानी देखने को मिलेगी। क्या है कहानी? मिशन मंगल फिल्म की शुरुआत GSLV-C-39 नाम के एक मिशन फेल होने से शुरू होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन, अक्षय कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधिया ने विद्या बालन होते हैं। मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV-C-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते हैं। फिर निराश होकर घर में बैठी तारा को पूरी तलने की विधि से मार्स मिशन का प्रोजेक्ट सोचता है और फिर नई टीम बनाती है जिसमें शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्त कुलारी और नित्या मेनन, SC दायोत्तर एक्टर शामिल होते हैं। एक बार टीम टूट भी जाती है लेकिन राकेश धवन और तारा शिंदे मिलकर फिर से टीम की वापसी करते हैं। कैसी है फिल्म? देश के प्रति गर्व महसूस कराने वाली अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का पहला हिस्सा कुर्सी से बांध कर रखने वाला है। फिल्म के पहले सीन से ही लोगों में उत्सुकता बन जाती है कि आखिर मंगलयान की सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा ध्यान भटकाती है और कॉमेडी सीन भी देखने को मिलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट है। अक्षय कुमार के ज़्यादा फिल्म विद्या बालन की लगती है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। मंगलयान की सफलता के पीछे का इतिहास जानने और कई कहानी देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग पसंद करते हैं तो भी आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग है 3.0 अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। 15 अगस्त को पूरे मुल्क के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख हुआ करती है थी। अक्सर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं इस दिन। इस बार भी दो हुई, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार के मिशन मंगल। हम दूसरी वाली फिल्म पर बात करेंगे।
मंगल मिशन मंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है इंडिया के मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस मिशन के कामयाब होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश और एशिया का पहला मुल्क बन गया था जिसकी मंगल तक पहुँच हो गई थी और तो और ऐसा पहला मुल्क है भारत जिसने अपने पहले ही अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो